तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। पर ये व्लॉग कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है। ये व्लॉग दरअसल मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अप्रैल लास्ट, जो अभी 2-3 महीने पहले गुजरा है, उसके लास्ट में मैं मिला हूँ अपने करण भाई से, करण सिंह मैजिक। उनका शो था वसंत कुंज दिल्ली में, और वॉट अ शो। जो लोग अब तक शो उनका लाइव अटेंड नहीं कर पाए हैं, आई मस्ट टेल यू कि आपको ये शो अटेंड करना चाहिए, क्योंकि जो हम उनको लाइव स्ट्रीम्स या वीडियोस में देखते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी उन वहाँ लाइव पे फील होती है। प्लस आपके साथ पर्सनली भी उनको बात करने का, मुलाकात करने का, और कभी कभी मैजिक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये तो एक अलग ही मज़ेदार चीज़ है। तो अगर आपको कभी भी नेक्स्ट लाइव शो दिखाई दे तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर जाएँ। और ये जो फुटेज है वो उनसे सेकेंड मुलाकात है मेरी उसकी है, क्योंकि मैं 2 साल बाद मिल रहा था उनसे, तो थोड़ा सा उनको पहचानने में टाइम लगा, और मैं मोटा भी हो गया हूँ पहले से ज़्यादा। और फिर लकली इस बार मेरे साथ भी उन्होंने मैजिक कर दिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया। और साथ ही साथ ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई श्रेय मैनियक का बर्थडे है, तो आज मैं उसको ये क्लिप देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया। ये जब मैंने क्लिप बनाई थी तब मैंने सोचा नहीं था कि उसको बर्थडे विश करवाऊंगा करण भाई से, तो इसमें बर्थडे विश नहीं है। बट हाँ, उन्होंने श्रेय मैनियक के बारे में बात की है, क्योंकि मैंने उनको कहा कि इसको डांटो और उन्होंने डांटा। तो बेसिकली यही है। तो मैं अपना जो मेल मिलाप है वही इस ब्लॉग में डाल रहा हूँ। तो फाइनली मैं पहुँचा इम्पीरियल क्लब ऑफ इंडिया, वसंत कुंज दिल्ली। शानदार लोकेशन, वहीं अंदर है मिजाज फाइन डाइनिंग जहाँ ये शो होना था। काफ़ी बड़ा ये जगह है, और एंट्री हमें रिस्ट बैंड्स पहना कर मिली। अंदर जाकर मैंने पाया कि मैनेजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ बहुत उम्दा था। वेटर सबसे पहले ही खाना पीना पूछ लेते हैं ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। मैं अकेला गया था तो व्लॉग का इरादा नहीं था, और मुझे लगा नहीं था कोई मुझे पहचानेगा भी। बट फिर मुझे मिले दिव्यम वसुम भाई, थैंक यू भाई, आपके मिलने से मुझे काफ़ी साथ मिला। और फिर आए शो जितना मैजिकल था उतना ही फनी और विटी भी था। एक एक्ट मेरे साथ भी हुआ, बट वो क्लिप मैं नहीं बना पाया। फिर एक एक्ट हिप्नोटिज्म रिलेटेड दिव्यम भाई के साथ हुआ, और वो बहुत ही अच्छा हुआ, और बाद में केएसएम भाई ने अपनी इंस्टा स्टोरी पे उसको शेयर भी किया, सो स्वीट। फिर हमें मौका मिला केएसएम भाई से बात करने का, तो हैप्पी बर्थडे श्रेय, ये क्लिप तुम्हारे। थैंक यू, सॉरी आपने पहचाना नहीं था, तो मैं अभी पहचाना, जब वीडियो आई तब तक पहचाना। भैया एक सेकंड म्यूजिक बंद कर दोगे, थोड़ा साउंड नहीं जाएगा। सॉरी सॉरी, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बताओ। बढ़िया, बहुत मजा आया। और पहली बार ये भी हुआ कि मेरे साथ भी थोड़ा सा वो कार्ड भी मैं लेके आया हूँ, अगर आप साइन कर दोगे। मैं मार्कर भी लेके आया हूँ, 5 हैं एक्चुअली, मुझे 5 लोगों को देना है। तो नाम बताते जाओ, मैं यहां खाली साइन कर देता हूं। हां आप साइन कर दो ना, बस बस एक बंदे को मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा गाली दो, मतलब गाली, मतलब गाली नहीं देते ना, तो इतना बोलना कि आपको लगे रहना है। वो बंदा बहुत आलसी हो गया है। क्या नाम है उसका? श्रेय मैनियक के लिए है ये। श्रेय मैनियक को बोल दो बस। श्रेय मैनियक इतना आलसी होना बंद कर, काम कर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आलसी रहोगे तो जिंदगी फक हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज वर्क एज हार्ड एज यू कैन, because trust me you will enjoy what happens with wo sunta nahi hai, main bakat se bol raha hu usko, kar le bhai, thank you, bol raha hai nikal usko, shayari sunao na, wo maan jayega wo, uske sath maine shayari stream ki ek, acha wo bhai sahab chhod ke bhag gaya stream chhod di usne, nahi nahi bhai bahut badhiya kaam kar raha hai, please, wo aajkal gaming kar raha hai, to bhai mere ko bas ek cheez jani, last time aapne kaha tha aap noida mein karoge, noida wala kya hua bhai? noida mein karenge bilkul karenge bhai, 1000 rupees lag jate hain yahan tak aane, ghaziabad se agar aap aage ho to bahut time lagega। मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करूंगा, आपके पास टाइम बहुत है। दिव्यम थैंक यू सो मच। दिव्यम भाई, अरे यू वर द दिव्यम असोम, वेल डन, आप शायद जानते होंगे, वैसे हम स्ट्रीम पे आते हैं हमारे। हां हां वो सही, हां करेक्ट, आई रिमेंबर, सुपर चैट से ही है। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू, वो भी लिखते हैं ना। थैंक्स थैंक्स मैन, थैंक यू भाई, आपसे मिलके बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे। नेक्स्ट
इसके अलावा वाला शो कहाँ हो सकता है यार? ये वाला एक साल तो यही शो चलेगा, तो फिर अगले ही साल जब शो का नाम बदलेगा तो डिफरेंट शो आएगा। चलो कोई नहीं, मैं मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो स्वीट ऑफ हिम। फिर दिव्यन ने उनको कुछ गिफ्ट्स भी दिए। वो मॉड है मैकेनिकल पांडे के। भाई एक सवाल मैं पूछना हमेशा भूल जाता हूँ भाई, किसी दिन आपको इस स्ट्रीम में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आप खुद की स्ट्रीम पे तो आ नहीं रहे हो। कोविड खत्म हो गया, कोविड कोविड खत्म। हमारे साथ कभी आने चाहोगे आप तो? करण भाई से मुलाकात बहुत ही प्यारी रही, स्वीट हैं बहुत वो। फिर हमने कुछ फोटोज लिए, आदित्य भाई जो उनके मैनेजर हैं, स्पेशल थैंक्स टू हिम। और उसके बाद बारी थी बाय बाय की। सब हो गया, थैंक्स दिव्यम, फोटो वीडियो। थैंक यू यार, थैंक यू करण, हमारे प्यारे ट्रैवल भाई, निखिल भाई। भाई ये सब बोलते नहीं है, लेकिन अभी मुलाकात बहुत मुश्किल से हुई है, साइन भी ले लिए हैं, अब चलते हैं घर। मजा आ गया आज के स्ट्रीम, मतलब पूरा का पूरा शो ही मजेदार था। स्क्रीन पर जब मिलेंगे तब देखा जाएगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू आदित्य भाई। आदित्य भाई एक सेकंड, मैं आपके साथ भी एक पिक ले सकता हूँ? थैंक यू सो मच, आपसे जब मिलता हूँ मेरे को बहुत पसंद आता है ये, क्योंकि आप इतने हम्बल हो, आपके बगैर ये नहीं हो पाता। थैंक्स, थैंक यू, मैं मिलूंगा आपसे दोबारा। अब तो करण भाई के अलावा आपसे भी मिलने के लिए स्पेशली आऊँगा। थैंक्स, चले बाय बाय।